बंगाल विजय के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी आज ताबड़तोड़ मुलाकात करने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता के इस दौरे का मकसद क्या है। बंगाल में धमाकेदार जीत के बाद दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे ने सियासत के तालाब में वो पत्थर मार दिया है जिससे कयास की लहरें लगातार उठ रही हैं। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज ममता बनर्जी के मुलाकातों की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है पीएम मोदी का। चुनावी कड़वाहटों को भुलाकर आज ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात शाम 4 बजे पीएम आवास पर होगी। इस चर्चित मुलाकात से पहले और बाद में होने वाली मुलाकातों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल ममता इस दौरे पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। ममता राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के साथ लंच कर सकती हैं। 2 बजे कांग्रेस के कमलनाथ और 3 बजे आनंद शर्मा से मुलाकात और पीएम मोदी से मीटिंग के बाद शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई तक दिल्ली दौरे में ममता के सभी बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि पार्टी अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है कि किसका साथ मिलेगा किसका साथ मिलेगा नहीं, तो सबका साथ मिलने का बात है। बीते कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की पवार और राहुल प्रियंका से मुलाकातों के बाद अब ममता की मुलाकातों से नए समीकरण बनाने की कोशिश नजर आ रही है। कहा जाता है कि राजनीति में कई बार संदेश कहीं देने के लिए वार किसी और जगह किया जाता है। दिल्ली आने से पहले क्या ममता का कदम भी ऐसा ही वार है? खबर जासूसी कांड की जांच से जुड़ी है। बंगाल के बाद देश को साधने की कोशिश कहे या फिर सरकार को घेरने का मिला मौका, लेकिन ममता ने पेगासस जासूसी कांड पर जांच बिठाकर विपक्ष में चौका मारने की कोशिश तो जरूर शुरू कर दी है। दिल्ली दौरे से ठीक पहले ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड के लिए आयोग का गठन करके विपक्ष में अपना कद बड़ा करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। दरअसल पेगासस निगरानी लिस्ट में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर का भी नाम था। बंगाल पहला राज्य बन गया है जिसने जासूसी कांड की जांच के लिए कमेटी बनाई है। बीजेपी इसे ममता की नौटंकी बता रही है। केवल ये नाटक है, आईवास है। बंगाल की जो समस्या है उससे लोगों की दृष्टि हटाने के लिए ये सब ड्रामा हो रही है। कानून के जानकार भी ममता के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला टेलीकॉम, टेलीग्राफ और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है और यह विषय वस्तु जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को इस तरह का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का कोई पावर। ABP News आपको रखे आगे।